अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं प्रॉन्स कोलीवाड़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। जिसे बनाने के लिए मैंने हाफ के जी प्रॉन्स ले लिए, थोड़े बड़े साइज़ के लिए हैं। इसको हमें अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लेना है, इसकी वेन को भी हमें निकाल लेना है। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे, जिसमें हम हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। आधे नींबू का रस ऐड करेंगे इसमें और इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने हमको रखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालती हूँ वो आपको मिल पाएगी। तो अब देखिए, हम हरा मसाला पीस कर रेडी कर लेंगे। कोथमीर ली है मैंने, 2 हरी मिर्चें ली है और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब हम जार लेंगे, जार में सबसे पहले कोथमीर ऐड कर देंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे और 2 हरी मिर्चों को तोड़ के डालेंगे। और अदरक लहसुन मेरे पास पिसा हुआ था तो मैंने पिसा हुआ डाला है। अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है तो इस वक्त आप पीस सकते हो। थोड़ा सा पानी डालकर अब हम इसको पीस लेंगे। देखिए, हमारा हरा मसाला बनकर रेडी है। तो जो हरा मसाला हमने पीसा है वो अब हम प्रॉन्स में डाल देंगे। हाफ टी स्पून सब लिया है कश्मीरी मिर्ची, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर हाफ ऑफ टी स्पून इसमें ऐड कर देना है हमें। हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे इसमें। अंडे की सफ़ेदी ऐड कर देंगे, ठीक है। एग वाइट ऐड करना है, एक अंडा ले ले, उसका येलो पार्ट आप अलग कर ले और जो उसका वाइट पार्ट है वो इसमें ऐड कर दे। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले प्रॉन्स पर अच्छे से लग जाए। अब 2 टेबल स्पून हम इसमें बेसन ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, इससे कोटिंग अच्छी आएगी हमारे प्रॉन्स पर। और इन सबको भी मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसमें ऑरेंज या फिर रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मुझे कलर थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने कश्मीरी मिर्ची और इसमें डाली थी। देखिए, अब इसका परफेक्ट कलर आ चुका है। अब हम प्रॉन्स के साथ जो चटनी खाएंगे, ग्रीन चटनी, हम वो बना लेंगे। इसमें हम थोड़े पुदीना ऐड करेंगे जार में, थोड़ा हरा धनिया ऐड कर लेंगे, हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक ऐड कर देंगे। आधे नींबू का रस ऐड करेंगे। अगर आपके पास इमली है तो आप नींबू की जगह इमली भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे पीसने के लिए और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अगर लहसुन की कली है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। और हमें अच्छे से चटनी पीस लेनी है। देखिए, हमारी चटनी बिल्कुल पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ही टेस्टी लगती है ये प्रॉन्स कोलीवाड़ा के साथ। अब ये चटनी को ज़रूर बनाइएगा। अब देखिए, तेल को गरम कर लेना है। जब तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाए तो इस तरीके से हम एक एक प्रॉन्स को डालते जाएंगे और फुल फ्लेम पर ही हमें प्रॉन्स को फ्राई करना है। अगर आप लो फ्लेम पर प्रॉन्स को डालोगे तो जो मसाले की कोटिंग है वो पूरी अलग हो जाएगी और प्रॉन्स अलग हो जाएंगे। आपका मसाला जो है मैरिनेट आपने किया है प्रॉन्स के ऊपर, वो पूरा जो है मसाला निकल जाएगा। इसलिए फुल टू मीडियम फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे। इससे आपके प्रॉन्स अच्छे से फ्राई होंगे और इसकी कोटिंग भी नहीं उतरेगी। देखिए, एक साइड से प्रॉन्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसकी साइड को हम टर्न कर देते हैं। बस 4 से 5 मिनट लगेंगे, आपके प्रॉन्स फ्राई हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है प्रॉन्स को पकने के लिए। एक साइड आप 2 मिनट पकाएं, दूसरे साइड आप 2 मिनट पकाएं, 4 मिनट में आपके प्रॉन्स फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए, प्रॉन्स हमारे अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। हमारा प्रॉन्स कोलीवाड़ा और विथ ग्रीन चटनी बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल फूड विद आफिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। तो देखिए, आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें ग्रीन चटनी के साथ, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में। देखिए, हमारे कितने प्रॉन्स अंदर से सॉफ्ट और पक चुके हैं, अच्छे से कुक हो चुके हैं।
आप इसको स्टार्टर के तौर पर बना सकते हो। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर इसको इंजॉय करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।